कालसी तहसील के राजस्व क्षेत्र मबलऊ के उपनिरीक्षक का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर हंगामा किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कालसी के मबलऊ गांव का बताया जा रहा है, जहां एक किसान के बैल की मौत के बाद क्लेम रिपोर्ट पर राजस्व उपनिरीक्षक की मोहर लगाने को लेकर राजस्व उपनिरीक्षक सहिया सुखदेव चंद ने पीड़ित किसान से रिश्वत की मांग की थी और पीड़ित किसान ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी देहरादून ने कालसी उपजिलाधिकारी को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश देते हुए 3 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है। आरोपी राजस्व उपनिरीक्षक को जिला कार्यालय में अटैच कर दिया गया है और ये कालसी से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। न्याय वाले न्याय नहीं करेंगे तो हम ऐसा ही आंदोलन करके जो है फिर बैठ जाएंगे। और क्या है, हमारे पास कोई धरना नहीं दे सकते, बंदूक हमारे साथ पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। हम तो न्याय करने के लिए यहाँ तो यहीं पड़ेगा, जब यहाँ न्यायालय लिखा हुआ है तो यहीं। दुर्भाग्य ऐसा है कि भ्रष्टाचार भी यहीं हो रहा है, जहाँ न्याय देना है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम कहाँ जाए? तो हमें धरना देना है। संज्ञान में तो आया है, एक शिकायती पत्र भी आया है और वीडियो भी संज्ञान में आया है, तो उस पर हमने प्रथम द्वितीय जो जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय देहरादून को प्रेषित कर दी है और विस्तृत जांच के बाद जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जैसे भी बात अगर सामने आती है जो भी सच्चाई, तो उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। अगर शिकायत बिल्कुल सही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।